देहरादून में सरकार धरना स्थल को परेड मैदान से हटाकर एकता विहार में करने जा रही है। इस फैसले का विरोध कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। कांग्रेस भवन में कई दलों के नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की और फैसले को लेकर विरोध जताते हुए कहा कि प्रीतम सिंह ने कि इस मामले को सीएम के सामने उठाया जाएगा और फैसले को निरस्त करने की मांग भी की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के लोग आए थे और सरकार ने जो निर्णय लिया कि परेड ग्राउंड से जो है धरना स्थल जो है नूर खेड़ा में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये उचित कदम नहीं है। नूर खेड़ा में अगर आप धरना स्थल बनाएंगे तो वहाँ पर लोगों को जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ नूर खेड़ा इतनी दूर है कि जो जहाँ पर धरना दे पाना जो है वो मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं होगा। देहरादून में कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस के आंदोलन हमेशा कब शुरू होते हैं, कब खत्म हो जाते थे, ये किसी को पता नहीं चलता। कांग्रेस महज रस्म अदायगी के लिए काम उत्तराखंड में कर रही है। खुद कांग्रेस में अंदर एक दूसरे के खिलाफ कितना विरोध है सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्व में भी ये कार्यक्रम करती रही है, लेकिन उनका शुरुआत करने का तो पता चलता है, लेकिन वो खत्म कब होते हैं ये मालूम ही नहीं चलता है। जितने भी कार्यक्रम उनके पिछले महीनों और पिछले साल जो है प्रारंभ हुए थे, सब टाइटाइम फिस हो गए थे। ना उनको कार्यकर्ता मिले, ना उनको सुनने वाले लोग मिले और ना उनकी यात्रा कोई भी पूरी हो पाई। एक उनका असफल प्रयास है, उत्तराखंड राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य की जनता उनसे दिग्भ्रमित होने वाली भी नहीं है। उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। उनका आपसी जो द्वंद है, अंतर्कलह है, वही सामने आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो राज्य हित में काम कर रही है, अपने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है, वो दिखाई भी दे रहा है और जनता की उनकी पहली पसंद त्रिवेंद्र सिंह रावत ही है।